अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर हमने गाड़ी में नया बैटरी लगाए फिर भी गाड़ी बैकअप कम दे रहा है, तो ये किस कारण हो रहा है? तो गाड़ी बैकअप कम देता है दो कारण, एक तो आपका बैटरी ख़राब हो तो, या तो आपका वायरिंग में शॉर्टिंग हो तो। तो ये गाड़ी में भी नया बैटरी लगा हुआ है, सिर्फ दो दिन हुआ बैटरी लगाया, तो इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है वही आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो वायरिंग चेक करने से पहले ही हम बैटरी को चेक करेंगे, क्योंकि जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक चीज़ है और इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो ही सकता है। तो बैटरी आपको देख के मालूम पड़ेगा ये नया बैटरी है। तो देखिए इसमें वोल्टेज दिखा रहा है 10.90, ठीक है, देखिए 10.90 तक दिखा रहा है, तो इसमें वोल्टेज थोड़ा कम दिखा रहा है। तो अभी मैं सिंपल ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, उसके बाद लोड पर भी चेक करेंगे एक बार। तो इसमें देखिए 1170 दिखा रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक है, पहले वाला थोड़ा डाउन था। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, उसके बाद लोड पे भी चेक करके देखेंगे कि इसका बैटरी का प्रॉब्लम है कि वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो देखिए वो दो तो देख लिया, अब इसको भी देख लेते हैं। पहले वाला में वोल्टेज थोड़ा कम था, तो देखिए इस पर भी देख लेते हैं, तो इस पर भी सेम वोल्टेज है 11.70। अब जो चौथा वाला है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें भी 11.70 के ज़्यादा ही है। तो ये तीन बैटरी ठीक दिख रहा है, पहले वाला जो है वो थोड़ा डाउन दिखा, तो उसको एक बार लोडिंग पे चेक कर लेते हैं। नया बैटरी है फिर भी एक बार लोडिंग पे हम चेक करके देखेंगे इसको। तो देखिए मैं मल्टीमीटर को सेट कर लिया, अब गाड़ी को लोडिंग पे लगाना है। तो देखिए जब भी लोडिंग पे दे रहा हूँ तो 5 वोल्ट आ जा रहा है, यहाँ पे 5, 3, 7 ऐसा वोल्ट आ रहा है। तो आपका अगर नया बैटरी है फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है तो जहाँ से बैटरी लिए आप वहाँ जाके बोलिए, वो आपको बैटरी चेंज करके देगा, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसमें कुछ डिफेक्ट हो ही सकता है और इसीलिए कंपनी आपको वारंटी देता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो आप जाके जहाँ से बैटरी लिए वहाँ ले जाइए और जाके बोलिए, तो वो आपका बैटरी को चेक करेगा और चेक करके आपको बैटरी को दूसरा बैटरी देगा इसको बदल के। तो इसका जो फॉल्ट था वो बैटरी का ही फॉल्ट था, इसी के वजह से इसमें बैकअप कम दे रहा था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा फॉल्ट आ रहा है तो पहले बैटरी को फिर वायरिंग को चेक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।